हमारी गुफ्तगू फस्से सालहिया में उठने वाले बाज मौजूआत के मुतालिक हो रही थी, जिसमें हमने फस की मुनासबत से पिछली नशस्तों में फतह के ऊपर गुफ्तगू की थी कि फतह फतूह और इरफान में फतूह किसको कहा जाता है और फतूह की कितनी अकसाम और अनवा है, ये हमने गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू के बाद हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम में जो एक अहम मसला पेश आया था, वो साले अलैहिस्सलाम की कौम का इम्तिहान था। अल्लाह ताला ने नबी हजरत साले को भेजा मौजा अता करके कि उस मौजे का नाम वो नाक़े सालेह तफसीर की कुतब में क्या कहते हैं मुतकल्लिमीन की कुतब में फलासफा की कुतब में ये बात जिक्र है। और फिर मौजे के ऊपर गुफ्तगू की गई, मौजे के बाद फिर इम्तिहान के ऊपर गुफ्तगू की गई। तो हमने पिछली नशिस्त में इम्तिहान का माना किया था कि इम्तिहान का मतलब क्या है। तो पिछली बहस में हमने ये कहा था कि तीन किस्म के अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी इन तीन किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल किया है। इम्तिहान, इम्तिहान के अलावा फितना और बला, ये तीन अल्फाज हैं जो अपने मुख्तलिफ मुश्तकात में इस्तेमाल हुए हैं। इम्तिहान इम्तहिनु इम्तहिनुहुन्ना बला बला हसना लियबलुवकुम इन्नहाला लहुवल बलाउल मुबीन ज़ालिका बलाउ मिन रब्बिकुम, ये बला के ऊपर गुफ्तगू की थी, बला इब्तिला। फिर फितना के ऊपर कुछ इन तीन अल्फाज के मानी हमने बयान किए थे। तो इम्तिहान का माना भी और क्या कहते हैं फितना का माना भी हमने यही किया था कि जब सोने को खालिस, जो सोना होता है उसको नाखालिस से जुदा किया जाता है तो उसके लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है। और जब हम कहते हैं फितना इम्तिहान है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान को अल्लाह ताला इंसान को खालिस करने के लिए जो कुछ उसे आजमाइश में ढालता है उसे इम्तिहान और फितना कहा जाता है, खालिस को ना खालिस से जुदा करने के लिए। कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है कि खालिस जो लोग हैं वो ना खालिस से जुदा हो जाएं। अब खालिस खुलूस का क्या मतलब, खालिस ना खालिस से, खालिस का मतलब होता है कि यानी खालिस जिसमें मिलावट ना हो, मिलावट वाले जिसमें मिलावट ना हो वो मिलावट वाली चीज से जुदा हो जाए। तो वो सोना जिसमें मिलावट होती है वो एक तरह का सोना है और दूसरा वो जो खालिस सोना होता है। तो फितना उस लफ्ज को कहा जाता है कि जो खालिस को ना खालिस से जुदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने इसका लुगवी माना बयान किया था। अब फरमाते हैं कि इम्तिहान फितना, तीसरा लफ्ज था बला।
बला का मतलब होता है कुरान मजीद में भी तीन मानों में इस्तेमाल हुआ है। बला कहते हैं ना, बला उन अजीम कुरान में भी है, बला मुसीबत, जिसे हम उर्दू में माना करते हैं मुसीबत का, कि इस पे जी बला नाजिल हो गई है, मुसीबत नाजिल हो गई है। तो कहते हैं कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बला को तीन माना में इस्तेमाल किया है। पहला माना आजमाइश, इन हाजा लहु अल बला उल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश, वाजे खुला खुलम और आश्कार आजमाइश, पहला माना आजमाइश। दूसरा माना नेमत, वफी जालिका बला उम्मे रब्बिकुम अजीम, बला उम्मे रब्बिकुम अजीम का मतलब होता है नेमत उन अजीमा में रब्बिकुम, अजीम नेमत, बला का माना नेमत है इस आया में। तीसरा माना जो बला का कुरान में इस्तेमाल हुआ है वो मेहनत के बारे में इस्तेमाल किया गया है बला को, वह बलौना हूँ बिल हसनाते व सैयाआत, या वनबलुकुम बिश्शर्रे वल खैरे फितना। अब तीन बला के कुरान में तीन मानी किए गए हैं, आजमाइश नेमत और बला, आजमाइश नेमत और मेहनत, ये तीन मानी है बला के। फितना कुरान मजीद में बहुत सारे कहते हैं कि मुफस्सरीन कहते हैं 15 मानी में इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, 15 मानी, उनमें से एक माना जो गालिब माना है वो आजमाइश है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, आहा से बन्नासु अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या क्या जो इंसान है वो ये गुमान करता है कि उसे छोड़ दिया गया है और उसे आजमाइश और इम्तिहान में नहीं ढाला जाएगा, हरगिज नहीं, बल्कि जो भी इंसान है बशर है अल्लाह ताला ने इस खिलकत में उसका एक अहम मरकजी कायनात का नुक्ता वो इंसान है, तो ये इंसान के लिए जो आजमाइश है अल्लाह ताला ने इस निजाम हस्ती में रख दिया है। तो जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसने इम्तिहान होना है, उसे इम्तिहान किया जाएगा। तो ये एक माना आजमाइश का। तो अब तीनों के जो मुश्तरक और गालिब माना है तीनों का, इम्तिहान फितना और बला का, वो आजमाइश है। बाकी फितना के मानी और भी बहुत सारे हैं, शिर्क में भी के बारे में भी इस्तेमाल हुआ है, कुफर के बारे में भी, अजाब के बारे में भी, कत्ल करने के बारे में भी है, ये बहुत सारे मानी हैं इसके। 15 मानी इसके कुरान मजीद में मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है। अब ये था पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता इम्तिहान के बारे में ये है कि ये इम्तिहान आजमाइश एक अमूमी सुन्नत है। अमूमी सुन्नत का मतलब है कि ये जमानो मकान से मावरा है। आजमाइश इलाही, इम्तिहान इलाही किसी जमाने और किसी मकान और किसी मुल्क के साथ खास नहीं है, बल्कि बल्कि आजमाइश और इम्तिहान इलाही दायमी और जहानी है। जो भी कायनात में है उसने इम्तिहान होना है, जो कुछ भी जब तक दुनिया का वजूद है उस वक्त तक बशर की जिंदगी में उसे इम्तिहान में ढाला जाएगा। तो ये दूसरा नुक्ता कि ये जो इम्तिहान आजमाइश इलाही, इम्तिहान इलाही की जो सुन्नत है इसका दायरा जमानो मकान से वसी है। इसके लिए कुरान मजीद में बहुत सारी यही आयत जो हमने पढ़ी है, अहा से बन्ना सुन युतरकु यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, जो भी बशर जो भी बशर है कायनात में जरूर उसे हम इम्तिहान में डालेंगे। क्या लोग आप ये गुमान करते हैं कि तुम्हें इम्तिहान में नहीं डाला जाएगा, हरगिज नहीं। ये दूसरा नुक्ता था। तीसरा नुक्ता ये है कि अब तमाम इंसान जितने भी कायनात में तमाम इंसान का वजूद है, चाहे वो इंसान
हजरत आदम के दौर के हों, चाहे हमारी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, और चाहे वो नेक हों चाहे गुनहगार हों, चाहे आलिम हों चाहे जाहिल हों, जो भी इंसान है उसने आजमाइश इलाही में उसे जरूर ढाला जाएगा, उसे जरूर इम्तिहान होना है। कोई भी बशर आजमाइश इलाही इम्तिहान इलाही से मुस्तस्ना नहीं है। इन्ना खलकना इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतली है, जो भी कहा इंसान जिसको हमने इस नुतफा से जिसने को हमने खल्क किया है उसको जरूर हमने आजमाना है। यह कुरान मजीद में है कि अल्लज़ी तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर निल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये मौत और जिंदगी यानी ये कायनात इंसान की जिंदगी, इंसान पूरे का पूरा मौत और हयात के दरमियान है, तो जो भी जिसे भी हमने खल्क किया है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता बाबरकत है वो ज़ात जितने मौत और हयात को खल्क किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इस वजह से कि ताकि आजमा ले तुम में से खूबसूरत तरीन अमल अंजाम कौन देता है। तो जिंदगी और मौत की खिलकत का भी हदफ बता दिया कि वो भी आजमाइश और इम्तिहान इलाही है। इसके अलावा कुरान में बहुत सारी आयात हैं, हुनालिका उब्तलिया अल्मुमिनूना वज़िल्लालु ज़लालन शदीदा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिन कुरान की बहुत सारी आयात के जिनको हम यहाँ पे बहुत सारी आयात हैं कि जिनको हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकते। अब ये दो नुक्ते तीन नुक्ते, अब इसका जो चौथा नुक्ता है कि इम्तिहान इलाही जो है आजमाइश और इम्तिहान, इस आजमाइश और इम्तिहान का हदफ, इसके अहदाफ क्या है और इसका फलसफा क्या है, ये दो एक मौजू हैं कि फलसफा जब हमने ये बात जान ली कि कायनात में हर इंसान से इम्तिहान लिया जाएगा, और जब इम्तिहान लिया जाएगा तो इस इम्तिहान का फलसफा क्या है, ये चौथा नुक्ता। और पांचवा नुक्ता यह है कि इस फलसफे इस आजमाइश और इम्तिहान के आदाब क्या है। तो फलसफा के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि इम्तिहान का फलसफा और इम्तिहान के अहदाफ इलल व असबाब के बारे में। तो फरमाते हैं कि अगर हमने इम्तिहान के अहदाफ को समझ लिया तो इम्तिहान का फलसफा भी हमारी समझ में आ जाएगा, या कम अज कम उसे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फरमाते हैं कि इम्तिहान के जो अहदाफ हैं वो तीन किस्म के हैं, इम्तिहान के अहदाफ तीन किस्म के हैं, कि इम्तिहान को इम्तिहान रखा है इस बशर की जिंदगी में, इसके पीछे फलसफा क्या है और इसके पीछे अहदाफ क्या है। अहदाफ को जब हम समझेंगे तो हमारे लिए फलसफा समझना भी आसान हो जाएगा। फरमाते हैं कि इम्तिहान के अहदाफ तीन किस्म के हैं। पहला हदफ फरमाते हैं कि बसा औकात इम्तिहान इस वजह से लिया जाता है कि वो सामने वाले की पहचान या उसे जानने के लिए इंसान इम्तिहान करता है। जिस तरह कहते हैं कि एक इम्तिहान करने वाला शख्स जब चाहता है एक मजहूल को मालूम में तब्दील करे तो उसको वो उसको इम्तिहान में डालता है। मिसाल दे रहा हूँ, उसे नहीं पता कि एक टेस्ट एक इंसान को ये फलां मर्ज है या नहीं, उस बीमारी का टेस्ट दिया जाता है, वो टेस्ट इम्तिहान है। जो टेस्ट ये मेडिकल टेस्ट भी लेते हैं ये भी इम्तिहान है। तो ये इम्तिहान क्यों लिया जाता है कि जो चीज़ हमारे लिए मजहूल है उस मजहूल को मालूम में तब्दील करें। ये पहला हदफ होता है क्या कहते हैं इम्तिहान लेने वाले का। इम्तिहान लेने वाले का पहला हदफ ये होता है कि वो
मजहूल को मालूम में तब्दील करना चाहता है। तो फरमाते हैं कि ये अब इस हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने जो जब इंसानों को खल्क किया है और साथ ये फरमाया है कि हर इंसान ने इम्तिहान होना है, तो अल्लाह ताला के बारे में इस किस्म के इम्तिहान का कोई माना नहीं है कि अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़, क्योंकि वो आलिम अलल इतलाक है, वो बिकुल शैन अलीम है। जब बिकुल शैन अलीम है, आलिम अलल इतलाक है, तो उसके लिए कोई माना नहीं रखता कि वो किसी मजहूल को मालूम में तब्दील करे। तो ये पहला किस्म का हदफ के मजहूल को मालूम में तब्दील करने के लिए इम्तिहान लेने वाला इम्तिहान करता है, ये पहला हदफ। दूसरा हदफ फरमाते हैं कि कभी कभार हदफ इम्तिहान से इतमाम हुज्जत होता है। इतमाम हुज्जत का मतलब यही होता है कि आप उस पे सामने वाले पे हुज्जत तमाम करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि ये नहीं होगा या मसलन इसने ऐसा करना है, लेकिन फिर भी उसे इम्तिहान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे फिर भी इतमाम हुज्जत हो जाए। तो फरमाते हैं कि इतमाम हुज्जत के लिए बसा औकात जिस तरह हम स्कूल में उस्ताद शागिर्दों को जानता है कि कौन शागिर्द लायक है कौन सा नालायक है, तो अब एक उस्ताद को पता भी है कि ये जो लायक शागिर्द है, इसने मिसाल दे रहा हूँ 90 से 95 नंबर तो जरूर हासिल करने हैं, लेकिन ये जो नालायक है ये बहुत ही कोशिश कर ले तो 50 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उस उस्ताद उसका इम्तिहान लेता है। क्यों लेता है? वो इस वजह से लेता है कि ताकि उस पर इतमाम हुज्जत कर ली जाए, कल को ये ना कोई कहा जा सके, मेरे हमारे लिए दलील कोई लिए ये ना लेके आ जाए कि आपने कोई हमसे इम्तिहान लिया था, आपने के पास क्या पैमाना था हमें जांचने के लिए। तो फरमाते हैं कि ये दूसरी किस्म का जो ये हदफ जो है, ये अल्लाह ताला के बारे में ये मुमकिन है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है, अल्लाह ताला को मालूम है कि ये इंसान, ये जैद ने मसलन इसका अपना रुश्द तकामुल जितने भी कोशिश कर ले, आखिर में जाके मिसाल दे रहा हूँ, इसने ये जिस तरह सारे इंसानों के बारे में है कि एक पता है कि ये जैद अव्वल से ये पूरी जिंदगी 80 साल तक भी पहुंच जाए तो उसने कभी सुधरना नहीं है, या मिसाल दे रहा हूँ कि अल्लाह के रास्ते की तरफ नहीं आना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उसे इम्तिहान में डालता है ताकि उस शायद क्या कहते हैं उसके उसके ऊपर इतमाम हुज्जत करे कि कल को वो ये दलील, ये एतराज ना लेके आ जाए या ये दलील ना लेके आ जाए कि आपने कोई मुझे इम्तिहान में डाला था, आजमाइश की थी, इम्तिहान लिया था, अगर इम्तिहान लेते तो क्या पता हो सकता मैं ऐसा कर लेता। तो फरमाते हैं कि दूसरी किस्म का जो हदफ है वो इम्तिहान लेने वाले का ये होता है कि इम्तिहान लेने वाले जिससे इम्तिहान लिया जा रहा होता है उसके ऊपर इतमाम हुज्जत करना चाहता है। ये दूसरी किस्म का। तो आप तीसरी किस्म का हदफ कहते हैं कि बसा औकात इम्तिहान लेने वाला वो इम्तिहान जिससे लिया जा रहा है उसकी तमरीन और मश्क करना चाहता है, ठीक है। मिसाल ये कहते हैं कि ये हम अलबत्ता ये तमरीन मश्क ये अल्लाह के बारे में ऐसा बात हम नहीं कर सकते, यानी क्या कहते हैं, यानी ये माना गैर खुदा के बारे में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि गैर खुदा इंसान माँ से वल्ला जो भी इंसान है वो दूसरे इंसान के इम्तिहान लेता है कि उसकी तमरीन की जाए, उसकी मश की जाए ताकि जो है ना वो एक्सरसाइज हो जाए उसे। तो कहते हैं कि इंसान अल्लाह ताला भी बसा औकात इम्तिहान लेता है, इम्तिहान लेने के पीछे जो हदफ होता है वो ये होता है कि इसके इसके अंदर जो पोशीदा अंदरूनी इस्तेदाद और सलाहियतें हैं उन सलाहियतों और इस्तेदाद को फ़ेलियत अदा की जाए,
मिसाल दे रहा हूं, क्या कहते हैं कि एक शख्स नहीं जानता कि क्या कहते हैं ये तैराकी नहीं जानता, वो जब तक दरिया के अंदर दाखिल नहीं होगा या बसों का इंसान बच्चे को तैराकी सिखाने के लिए पानी में डाल देता है, तो ये पानी में डाल देता है ताकि उसे वो एक चीज जो उसके अंदर एक चीज इस्तेदाद और सलाहियत है उसको फैलियत अता की जाए, उसे कमाल अता किया जाए। तो कहते हैं कि ये जिस तरह एक इंसान दूसरे इंसान का जब इम्तिहान लेता है तो उसके पीछे भी बस औकात यही हदफ होता है, तो अल्लाह ताला का हदफ भी बशर से इम्तिहान लेने में ये भी हो सकता है कि जिससे इम्तिहान लिया जा रहा है उसके अंदर जो कुछ उसकी फितरत, उसकी जात, उसके बातिन में सलाहियतें, इस्तेदाद वो जो रखी हैं, उन इस्तेदादात को, उन सलाहियतों को फैलियत अता की जाए, ताकि इसी तरह डॉक्टर शहीद मुर्तजा मुतहरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के जितने भी इम्तिहान हैं वो इसी तरह के हैं कि इंसानों को मसायब मुश्किलात में डाल दिया ताकि वो कमाल, वो जो नक्स से कमाल तक पहुंच जाए, नक्स से कमाल तक पहुंच जाए। और इसकी तरफ क्या कहते हैं कुरान मजीद में क्या कहते हैं, बहुत सारी इस बारे में आयात भी हैं जो इसके ऊपर दलालत करती हैं कि अल्लाह ताला बसा औकात इम्तिहान लेता है कि इम्तिहान लेने का हदफ ये होता है कि उसके अंदर जो भी पोशीदा इस्तेदादात हैं उन सारी इस्तेदादात को फैलियत अता की जाए, जो कुछ सीनों में है उनको आजमाया जाए ताकि तुम्हारे दिल कामिलन खालिस हो जाएं और वो तुम्हारे तमाम असरार से आगाह है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 154। तो फरमाते हैं कि इसी फिर शहीद मुर्तजा मुतहरी इसी बहस में फरमाते हैं कि ये जो हमेशा इंसान दो रास्तों के ऊपर, एक चौराहे, दो रास्ते हैं उसके ऊपर खड़ा है, दो रास्ते के ऊपर, वो इसी वजह से है कि उसकी जो अंदर बातनी सलाहियतें हैं वो जाहिर हो जाएं। क्यों? क्योंकि अगर ये आजमाइश ये इम्तिहान ना हो तो वो जो बिलकुवा जो उसके अंदर है कुवत बातिन में, वो बातिन में चीज रह जाएगी, वो बाहर नहीं आएगी। तो ये इम्तिहान इस वजह से है कि उस चीज को तकमील करना, कामिल करने के लिए इम्तिहान किया जाता है। तो फरमाते हैं कि बस ये तीसरी किस्म का जो इम्तिहान है वो एक कामिल करने के लिए इम्तिहान होता है। तो कहते हैं कि जितने भी अल्लाह ताला जितने भी फिर मुत्तारी साहब ये जुमला भी फरमाते हैं कि जितने भी अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है अपने अपने मोमिन बंदों से, अपने बंदों से, उनमें उन सब में ये जो तकमील कामिल करने वाली खसरत मौजूद होती है कि इंसान को उस नक्स से कमाल तक उसको कामिल किया जाए, उसके अंदर एक कमाल नहीं है उसको कमाल तक पहुंचाया जाए। तो ये तीन किस्म के अहदाफ हैं। जब कहते हैं कि अगर आपने अहदाफ समझ में आ गए या इम्तिहान इलाही का मफहूम समझ में आ गया, तो अब अगला सवाल यह है कि इन इम्तिहानात इलाही या आजमाइश इलाही के पीछे फलसफा क्या है। अब उस तरफ से हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला गैब व सिर सबसे अब आगाह है, आलिम है, जो कुछ भी आसमानों जमीनों में है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैयुन फिल अर्ज़ वला फिस समा, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 5, कि अल्लाह ताला की नजर से कोई चीज मख्फी नहीं है, ना जमीनों में ना आसमानों में। जब कोई चीज मख्फी नहीं है तो फिर क्या कहते हैं आजमाइश और इम्तिहान का फलसफा क्या है। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क्यों फिर इम्तिहान लेता है। कहते हैं कि इस इम्तिहान इलाही के पीछे भी कुछ इलल असबाब मौजूद हैं। उनमें सबसे
इम्तिहान इलाही के पीछे जो एलल और असबाब जी सॉरी बस फरमाते हैं कि अब कोई ये सवाल कर सकता है कि जब अल्लाह ताला आलिम है, सिर व गैब से आगाह है, अल्लाह ताला का इल्म इल्म मुतलक है, तो वो सब कुछ जानता है, उससे कोई चीज मख्फी और पोशीदा नहीं है, तो फिर इम्तिहान का क्या माना है, इम्तिहान और आलमाइश में डालने का क्या माना है? तो कहते हैं कि आज इम्तिहान और आलमाइश इलाही के पीछे कुछ इलल व असबाब, उन इलल व असबाब को समझेंगे तो तब आपके लिए इम्तिहान इलाही का फलसफा वाज़े और रोशन हो जाएगा। पहली इल्लत कहते हैं कि इंसान के तमाम अफराद की जो हकीकी शख्सियत है वो जाहिर हो जाती है इम्तिहान के वक्त तो इंसान के अंदर जो हकीकी शख्सियत है उसका जहूर होता है। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की निगाह में भी सबसे अहम मुहिम तरीन फलसफा और हिकमत इम्तिहान की वो ये है कि अफराद की हकीकत और वाकईयत, अफराद की जो हकीकत और वाकई है और या अफराद का जो वाकई चेहरा है, हकीकी चेहरा है, उन सब को जाहिर किया जाए, उस हकीकी चेहरे को, इंसान के हकीकी चेहरे को जाहिर किया जाए जो उसके अंदर इस्तेदाद मौजूद है, चाहे खबासत की चाहे तहारत की। तो कहते हैं कि दोनों इम्तिहान इलाही में वो जो इंसान की रूहानी मानवी करामात हैं वो जाहिर होती हैं, जो खबीस लोग हैं वो भी पहचाने जाते हैं, जो जिसके अंदर तहारत होती है वो उनका भी पता चल जाता है। ये खुद कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने बाज क्या कहते हैं आयात में इस मतलब की तरफ इशारा किया है, जिसमें सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 31 अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलम अलमुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनबलु अखबारकुम। तो कहते हैं कि हम तुम्हें इम्तिहान में डालते हैं ताकि पहचान लें कि तुम में मुजाहिद कौन है और साबिर कौन है। तो मुजाहिद और साबिर को जुदा करने के लिए हम इम्तिहान में डालते हैं। तो कहते हैं कि ये जो हम अल्लाह फरमाता है हत्ता नअलम अलमुजाहिदीन ताकि हम पहचान लें मुजाहिदीन को, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला को इल्म नहीं था, बल्कि मतलब वो जो इल्म की बात नहीं है, वो मालूम के तहक्कुक की बात है, यानी वो अफराद जो इंसान जैद अमर बकर है उनकी जो जाते शख्सियत है, उनका जो वाकई चेहरा है उसको जाहिर करने के लिए ये इम्तिहान के वक्त वो चीज जाहिर हो जाती है। तो फरमाते हैं कि जो इल्म ऐन इल्म इलाही होता है उसको तहक्कुक के खारजी मिल जाता है। जब जैद अमर बकर का इम्तिहान और आजमाइश होगी तो उस आजमाइश में जो उसकी वाकई या हकीकी शख्सियत या उसका चेहरा वाकई जो है वो जाहिर हो जाता है। वलकद फतनल्लदीना मिन क़ब्लिहिम फलयालमनल्लाहुल्लदीना सदकु वलयालमनल काज़िबीन। तो आप फरमाते हैं कि ये एक पहली इल्लत। दूसरी इल्लत कहते हैं जो आजमाइश इलाही के पीछे है, इम्तिहान के पीछे है, वो सवाब और जजा का जो मेयार है। जैसे कि खुद हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला इंसान की बातिन से सबसे आगाह है, इंसान के बातिन को अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन इम्तिहान करता है ताकि जो जो क्या कहते हैं अच्छे और बुरे काम जो जजा व सजा का मेयार है वो जाहिर हो जाए। ठीक है, तो फरमाया कि इम्तिहान अल्लाह ताला लेता है ताकि जो सवाब जजा और सजा का जो मेयार
वो जो खूब व बात अच्छा और बुरा होना है वो उनसे जाहिर हो जाए, क्योंकि इंसान के अंदर जो बातनी सिफात हैं वो बातनी सिफात सवाब व इकाब के लिए काफी नहीं होती, मगर जब तक इंसानों को इंसान वो आमाल की सूरत में अंजाम न दें, तो जब आमाल की सूरत में वो जाहिर ना हो उस वक्त तक उनको क्या है वो जो इंसान के बातिन में जो सिफात मौजूद हैं वो अकेली काफी नहीं है सवाब व इकाब के लिए, वो अकेला मेयार नहीं है, बल्कि वो तब मेयार है कि जब उनको आमाल की सूरत में अल्लाह ताला बंदों के इम्तिहान जब लेता है, तो ताकि जो कुछ उनके अंदर बातिन में है वो अमल में आश्कार हो जाए, वो जो सलाहियतें हैं वो कुव्वत से फेलियत में तब्दील हो जाए और वो शख्स मुस्तहिक हो जाए जजाय का या सलाह का। तो करवाते हैं कि अगर अगर इम्तिहान इलाही ना होता तो ये इंसान के अंदर सलाहियतें और इस्तेदादात वो शकूफा नहीं हो सकती थी, वो जो दरख्त है इंसान के वजूद का वो आमाल का की सूरत में जो उसके फल हैं वो नहीं दे सकता इम्तिहान के बगैर। तो कहते हैं ये है इम्तिहान इलाही का फलसफा, इसकी इसी चीज के ऊपर बहुत सारे लोगों ने भी फलसफे के ऊपर गुफ्तगू किया है। तो फरमाते हैं कि बेहतरीन बेहतरीन इसके ऊपर जो क्या कहते हैं फरमान है वो इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का है कि आशूरा के दिन मौला ने फरमाया था कि इन्नन्नास अबीदु दुनिया, लोग बेशक लोग दुनिया के गुलाम हैं, व दीन लायकुन अला अलसनते हैं, जब इम्तिहान में डाला जाता है तो फिर दीनदार कम रह जाते हैं, यानी वो जो क्या कहते हैं वो जो उनके अंदर दरूनी इस्तेदादात हैं वो जब तक जाहिर नहीं हो सकती उस वक्त तक क्या है वो अगर यानी वो जो इंसान के अंदर अंदरूनी सिफात हैं बातनी सिफात हैं अगर इम्तिहान ना हो तो वो क्या कहते हैं उनका पता नहीं चल सकता। इम्तिहान लिया जाता है ताकि उनका पता चल जाए कि वो आमाल में वो दीनदार बनते हैं या बेदीन बनते हैं। इदा मुहिस्सु बिल बलाए कल्ला दयानु, यानी दीन दीन तो सब करते रहते हैं लेकिन जब इम्तिहान में डाला जाता है तो पता है इम्तिहान के वक्त चलता है। तो फरमाते हैं ये दूसरा इल्लत या दूसरा सबब था। तीसरा सबब क्या है वो अमल अहसन का मुशख्खस होना है। अमल अहसन क्या है, इम्तिहान के वक्त वो मुशख्खस हो जाता है। कहते हैं कि वैसे कुरान मजीद में जब हम अल्लाह ताला के कुरान को पढ़ते हैं तो दो किस्म के क्या कहते हैं इंसान के आमाल जिक्र होते हैं, आमाल साले और आमाल गैर साले, ने अच्छे और बुरे आमाल। फिर आमाल साले को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, अमल हुस्न और अमल अहसन, खूबसूरत अमल और खूबसूरत तरीन अमल। तो फरमाते हैं कि इम्तिहान इलाही का फलसफा ये है कि मुशख्खस हो जाए कि कौन अमल एहसन अंजाम देता है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में खूबसूरत तरीन अमल कौन अंजाम देता है। मेयार अल्लाह ताला ने मेयार कमियत नहीं बताई, अमल की कमियत मकदार मेयार नहीं है, अल्लाह ने इसमें फरमाया वो कैफियत मेयार है कि वो दो रकत नमाज जिसके अंदर खलूस जो खालिस और बामार्फत हो गई तो वो उन हजार रकतों से बेहतर है जो बगैर मार्फत और बगैर खलूस के इंसान अमल अंजाम देता है। तो पता चलता है कि कमियत मकदार वो कसरत अमाल की मियार नहीं है बल्कि कैफियत है। तो कैफियत कौन सी, जो खूबसूरत तरीन,
कि सारे अमाल जाहरी एक चीज है, अमल का एक जाहरी चेहरा है, तो इंसान उन अमाल के अमल को खूबसूरत, इंसान को चाहिए खूबसूरत अमल को खूबसूरत अंजाम दे, यानी जितना खूबसूरत अमल है उसी को अंजाम देना चाहिए। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ये इम्तिहान मैं लेता हूं ताकि ये मैं पहचान लूं कि तुम में खूबसूरत अमल कौन करता है, एहसन अमल क्या है, वो किसका है। तो ये कहते हैं कि इसके ऊपर भी बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू की गई है कि अमल की खूबसूरती मेयार है, और वो भी एहसन, एहसन अमल, न कि हुस्न, हुस्न अमल की बात नहीं हो रही। अच्छा, अब फरमाते हैं कि ये तो क्या कहते हैं, इम्तिहानात हैं, इम्तिहान का जो फलसफा था या अहदाफ था। जब ये चीज़ें आपके लिए वाज़े हो जाएं, तो अब कुरान, वैसे तो तारीख में हर नबी के वाक़यात हैं, आइमा के वाक़यात हैं, इमाम जावर सादिक, इमाम बाकिर, इमाम अली, पैगंबर से लेकर और अच्छे लोगों के बहुत सारे वाक़यात हैं जो इन सारी चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, और अमली ज़िंदगी में भी उन्होंने आमाल को इम्तिहान के वक्त खूबसूरत करके पेश किया। जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ, जितने नबी थे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत नबी हूद, हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नूह, जितने भी थे, तो सब ने जो क्या कहते हैं अहसन अमल था, वो इम्तिहान के वक्त अहसन अमल करके अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुरखरू किया। तो अल्लाह भी फरमाता है कि मैं बसा औकात इम्तिहान लेता हूँ जो रिफअत बुलंदी की रफअत के लिए भी, इंसान के जो मकामात हैं उनकी बुलंदी और उनकी रफअत के लिए क्या है, वो मैं इम्तिहान लेता हूँ। तो जितने भी नेक लोग हैं, चाहे जितने भी तारीख में पढ़े नेक लोग, अम्बिया से लेकर औलिया, ये सारे के सारे नेक लोगों का जो अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, नेक लोगों का जो अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है, तो ये नहीं हो सकता कि वो गुनहगार थे तो अल्लाह ताला ने उनको गुनाह पाक करने के लिए इम्तिहान लिया, गुनाहों से पाक करने के लिए, या उनके अंदर जो बातनी सिफात वो कामिल नहीं हुई थी, उस उनको कामिल करने के लिए इम्तिहान किया है। नहीं, इंसान कामिल को कभी इम्तिहान लिया है, लेकिन इम्तिहान क्यों लिया है, नहीं ये कि उसके अंदर जो दरूनी सिफात हैं उनको शकूफा और उनको फैलियत अता करने के लिए, बल्कि उन सब का इम्तिहान लिया है कि उनके मकाम को और बुलंद किया जाए। तो जिस तरह हम क्या कहते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्य पढ़ लें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य पढ़ लें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, दूसरे अंबिया का, हमारे सारे के सारे जितने भी वाक्य आते हैं, वो उन लोगों के मकामात, दरजात और उनके रुतबों की बुलंदी के लिए हैं। तो फरमाते हैं कि इस तरह औलिया इलाही के भी आप इम्तिहान दे, वो देख लें, आइम्मा उनके बाद, अम्बिया के बाद, वो भी तकरीबन इसी तरह की हैं। तो बस ये इसके ऊपर कुरान मजीद में बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी अहदीस भी हैं इन सारी उसके ऊपर, लेकिन इसको अगर हम जमबंदी करें ना, इनका खुलासा जब करें जमबंदी की, ये कहना यानी इसमें इसका माहसल क्या है पूरी इस गुफ्तगू का, इम्तिहान का, तो इसमें माहसल वही इम्तिहान के अहदाफ से ही इम्तिहान का फलसफा और हदफ मालूम हो जाता है, इम्तिहान के अहदाफ से भी ही फलसफा हिकमत जो उसके पीछे है वो मालूम हो जाती है। लेकिन उस फलसफे को कई क्या कहते हैं स्टेप में, कई चीजों में क्या है, डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि इंसानों के अंदर जो दरजात और तबकात हैं मार्फत और आमाल के अतबार से, तो उसी हिसाब से हर इंसान का इम्तिहान भी दिया गया है।
बड़े आला दर्जे के लोगों का इम्तिहान, उनके मकामात और रुतबात, रुतबे और मकामात की बुलंदी के लिए है, लेकिन जो आम इंसान है उनके इम्तिहान इंसान तीन चार जो हमने चीजें जिक्र किया है इनके तहत ही है सबके सब इम्तिहान। लेकिन अगर ये सारी की सारी गुफ्तगू को, ये जो सारे अहदाफ जो जिक्र किए हैं, इन सब को अगर हम क्या कहते हैं एक उस चीज में खुलासा करें, तो इसका जो फायदा और नफा है वो खुद इंसान है, खुद इंसान की तरफ पलटता है कि सारे का सारा ये इंसान है, अल्लाह ताला ने इंसान को खल किया है, उसके अंदर बहुत बेपनाह सलाहियतें रख दी, इस्तेदादा सलाहियतें, तो ये इम्तिहान रखा ताकि इम्तिहान के जरिए वो चीजें क्या है मालूम हो जाए। तो बसा औकात क्या कहते हैं औलियाए इलाही जो कामिल नहीं है उनके भी इम्तिहानात इसी तरीके से हैं, लेकिन जो उस आला दर्जे पे फायदा है तो उनके जो उनके लिए भी इम्तिहान है, वो भी इम्तिहान से मुस्तस्ना नहीं है, लेकिन उनके इम्तिहान के पीछे जो हदफ है वो उनके रुतबे को बुलंद करना है, उनके मकाम को क्या है बुलंद करना है। इससे फिर कुरान में बहुत सारी क्या कहते हैं हर नबी के बारे में बहुत सारी आयात हैं कि उनके रुतबे की बुलंदी के लिए क्या है इम्तिहान लिए जाते हैं। हज़रत सलमान के नबी के बारे में पढ़ लें, हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ लें, दूसरे लोगों के बारे में पढ़ लें, तो उसमें यही है फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु वनअ्माहु फयकूलु रब्बी अकरमान वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्कुहु फयकूलु रब्बी हानान। इसी तरीके से ये इम्तिहान के इंसान की तरबियत की जाए, तहजीब नफ्स किया जाए इम्तिहान के जरिए से, इस्तेदाद को फ़ैलियत अता की जाए, और ये सारे का सारा इम्तिहान मुकदमा है वो तकवे का, तकवा के इंसान को तकवे के उस रास्ते पे डालना है। तो तकवा ही वो दर और दरवाजा है वो इंसान की मार्फत का, वो इलाही मार्फत जो हकीकत मुतलक की जो मार्फत है वो उसके लिए तकवा क्या है वो एक दरवाजा है, दरवाजा है, उस दरवाजे से फिर आगे बेपनाह सलाहियतें हैं जो इंसान को उस रास्ते से जो आगे क्या कहते हैं दराजात हैं उनको एक एक को अगर हम अबूर करते जाएंगे तो उस क्या कहते हैं ज़ात अहदियत वाहदियत, तो वहां से इत्तेसाल की सूरत में पहुंचने तक ये दरमियान में सारे दर्जात हैं मकामात हैं रुतबे हैं। तो इंसान क्या करता है, इंसान को का इम्तिहान अल्लाह ने रखा है कि इंसान की तरबियत बातनी रूहानी तरबियत होगी, खालिस ना खालिस से जुदा होगा, जब ये जुदा होगा तो वो खालिस दिल ही है कि जो क्या कहते हैं वो रुकावट बन जाता है मासियत खुदा के लिए, वो जो तकवा जिसे हम कहते हैं, तो वही तकवा क्या है वो दरवाजा बनता है कि इंसान उस तकवे से ही आगे क्या है पूरे रास्ते में जाता है, एक एक जगह को क्रॉस करता है, एक एक मुकाम मंजिल को क्रॉस करता है, और वो जो इल्म व मारफत का एक बहुत बड़ा मैदान है उस मैदान में जाके आगे सफर करता है, सफर करके फिर आगे फिर तमाम बशर में सारे के सारे मकामात दर्जात क्या कहते हैं रुतबे आ जाते हैं, और फिर वो इंसान कामिल का रुतबा वहाँ फना फिल्ला बखा बल्ला, वो जहाँ पे इत्तिसाल तू मन शुदे मन तू शुदम, वहां पे वो फिर एक मंजिल वो आ जाती है। तो यानी ये इसका जो है ना वो खुलासा है, कहने का मकसद जो यानी अहम इसका जो नुक्ता है इम्तिहान इलाही का,
के इम्तिहान इलाही एक आजमाइश है इंसान की बातनी, इम्तिहान के जरिए से इंसान की बातनी तरबियत होती है, उस तरबियत बातनी तरबियत से ही इंसान आगे इल्म व मारफत के जो क्या कहते हैं वो जो दरवाजे दरीचे खुलते हैं उसके लिए, उन दरीचों से ही कश्व शहूद करके इंसान आगे सैर सलूक की जो मंजिल है उसको तय करता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं कौम का इम्तिहान लेता हूँ, हर कौम का इम्तिहान लिया कि कौन सी कौम इस इम्तिहान में पास होती है। तो बहुत सारी अंबिया की उम्मतें जिस तरह साले इस्लाम की उम्मत थी वो उस इम्तिहान में नाकाम हो गई, उन्होंने जो उनका चेहरा वाकई था वो तरबियत उनकी न हुई, तरबियत ना हो सकी और उस रास्ते पे डाल नहीं सके, उस रास्ते में आ ही नहीं सके। जब उस रास्ते में ही नहीं आए तो फिर आगे का सफर भी तय न कर सके। वो जो एक मानवियत रूहानियत का सफर था उस रास्ते पे भी नहीं आए। जब रास्ते पे नहीं आए तो वो जो वो सारे के सारे ना खालिस थे वो खालिस से जुदा हो गए, जुदा हो गए। तो फिर अल्लाह ताला ने वो किया कि जो अल्लाह ताला ने उनके साथ किया, जो कुरान में भी और सीरह हजरत सालेह अलैहि सलाम में भी जो कुछ मौजूद है। तो ये इम्तिहान इम्तिहान और इम्तिहान इलाही जो बशर की जिंदगी में अल्लाह ताला ने रखा है, कोई इंसान उससे मुस्तस्ना नहीं है। लेकिन दरअसल ये इम्तिहान इंसान के लिए एक तरबियत गाह है, इसी से इंसान की तरबियत रूहानी बातनी तरबियत होती है और उस तरबियत में ही इंसान कामयाबी का सफर तय करके उस मकाम बाला तक पहुंचता है। वाखिर दुआ। जल्दी से जो ये मजहूल से मालूम बनाने वाली जो बात की थी, जो पहले ही पहला नुक्ता था जी, उसको जरा वाजे कर दें। ये मजहूल से मालूम किसके लिए बात हो रही है, ये खुदा की तरफ से हो रही है या इंसान के हवाले से हो रही है, कौन मजहूल को मालूम? नहीं यानी नहीं, वैसे लिए ये हो रही है इंसान, देखें ये हो रही है इंसान के बारे में कि वैसे इंसान बसा औकात इम्तिहान लेता है जो चीज उसे मजहूल यानी मजहूल होती है उसके जरिए मजहूल से मालूम तक पहुंचना चाहता है। तो इसकी कोई मिसाल, इसकी कोई मिसाल अगर दे दें कि ये मजहूल, यानी मजहूल से मानी यही हुआ ना जिस चीज को आप नहीं जानते थे, ना मालूम जो है मालूम। देखिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर को नहीं पता कि कौन सी बीमारी है जो है ना इंसान को, जैद अमर बकर को कौन सी बीमारी है, वो कहता है ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो उसका इम्तिहान टेस्ट कर लेता है। तो उस टेस्ट में उसे पता चल जाता है कि कौन सी, चूंकि वो चीज मजहूल थी, अब उस टेस्ट इम्तिहान के जरिए से वो मालूम हो गई। तो कहते हैं कि ये इस किस्म का इम्तिहान का जो हदफ है ये अल्लाह ताला के बारे में हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारा पेश फर्ज यह है कि अल्लाह ताला की जात आलिम अलल इतलाक है, बिकुल शैन अलीम है, लिहाजा अल्लाह के बारे में ये कहना दुरुस्त नहीं है कि वो एक क्या कहते हैं मजहूल चीज है, उससे एक उसे मालूम में तब्दील करना चाहता है। आगा बहुत अच्छा बयान था और आज चूंकि शेख अल अकबर का नहीं था तो ज्यादा अच्छे से समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह। एक दरख्वास्त है कि जो आयात आप इशारा करते हैं उसके नंबर और सूरा भी बयान कर दिया कीजिए। आपने एक दो बताए सूरे मोहम्मद और वो, मगर कुछ मेरे रह गए तो मैं इंशाल्लाह सारे ये पॉइंट्स नोट कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, भी आप अगले बयान में सूरे और आयत नंबर भी दे दिया कीजिए तो लिखने में आसानी है। अच्छा, मेरे ख्याल में मैंने कुछ की शायद कुछ रह गई है, नहीं एक दो तीन तो आपने मुझे दे दिए, दो तीन रह गए। जैसे अमल एहसन वाली एक आयत थी, एहसन वाली ये सूरह मुल्क की पहली आयत, सूरह मुल्क की पहली आयत तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहु अला कुल्ली शयइन कदीर लिल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, के
अमल को खूबसूरत एहसन चीज क्या बना दिया है कि तो वो उसके लिए मार्फत हो सकती है, इल्म मार्फत खुलूस ये सारी चीजें। वो जो मुतहरी साहब लिखते हैं एक जगह पे इस आयत की तफसीर में कि ये जो जरबा तो पढ़ते हैं ना, जरबा तो अली यौम मलखंदा के अफजल मिन इबादत सकलैन, वो एक एक जरबत सकलैन की इबादत से अफजल है। कहते हैं कि ये नहीं है कि सकलैन की इबादत पूरी कायनात की इबादत से वो अफजल, वो फरमाते हैं कि वो उस जरबत में खलूस इतना था, यानी वो इतनी खालिस थी कि फकत अल्लाह ही था उस जरबत में, वो इतनी बुलंद चीज थी उसके अंदर जो खूबसूरती थी वो इतनी ज्यादा उसकी पावर या बुलंदी थी कि वो सकलैन की इबादत से भी वो अफजल। एक और आया थी अहसबुन्नास, आप जो कह रहे थे जो भी कायनात अहसबुन्नास हो अन युत्रकु अन यकूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, अहसबुन्नास हो अन युत्रकु अन यकूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। मैंने इसका एड्रेस नहीं दिया था। दूसरा लामा साहब, वो आपने शुरू में तीन बताए थे ना, आजमाइश इम्तिहान था और उसकी फिर वजह बयान करने में आपने तीन, वो मजहूर इत्तमाम मजहूर से मालूम इत्तमाम हुज्जत और तमरीन और मश्क की बात की थी, वो तो वाजे हो गया, लेकिन आपने उससे पहले कहा था कि तीन मानी है, एक नेमत का भी है और एक काविश मेहनत का भी है, तो ये नेमत और काविश मेहनत का जरा एक दफा दोबारा दो जुमलों में बता दें कि जो तीन मानी शुरू में कुरान से किए थे उनमें एक आजमाइश इम्तिहान था, एक नेमत थी और एक काविश और मेहनत थी, तो ये नेमत और काविश। देखें ये जो लफ्ज है ना, ये लफ्ज अल्लाह ताला ने कुरान में तीन मानी के लिए इस्तेमाल किया है, इसके बारे में हमने जिक्र किया था ना, क्या कहते हैं फितना के बारे में हमने कहा था कि 15 मानी में इस्तेमाल किया, बला के बारे में कहा था कि कुरान में तीन माना में इस्तेमाल हुआ है कि इन हाजा अल्लाह अल बला अल मुबीन, सूरह साफात की आयत नंबर 106। अब यहाँ पे बला क्या है, वो इम्तिहान के बारे में है जी। अच्छा वफी ज़ालिका बला मिन रब्बिकुम अज़ीम, अब बला उन अज़ीम तुम्हारे रब की तरफ से बला है लेकिन अजीम है। इसको कुरान के जो सियाक व सबाक है आया का, उससे माना यह किया गया है कि ये नेमत के बारे में भी इसको इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि इस वजह से नेमत के बारे में किया गया हो कि बिलाखिर बला इम्तिहान भी एक नेमत है, यानी उसका इतलाक क्या है इसके ऊपर किया गया हो, तो इस वजह से नेमत का माना किया गया हो। तीसरा होता है मेहनत, व बलौना हम बिलहसनात व सयात व नबलूकुम बिशर वल खैर फितना। तो कहते हैं कि ये मेहनत जो है, मेहनत का माना भी यानी बला का माना एक मेहनत भी है, तो बला का जिस तरह माना इम्तिहान है और इम्तिहान में मेहनत होती है, तो ये जो दो लफ्ज नेमत और मेहनत जो बला के ये दो मानी कुरान में किए गए हैं, ये इसको कहते हैं इस्तेलाह में ये लफ्ज का इतलाक हुआ है लाजिम माना, माना का जो लाजिम था ना उसके ऊपर इस्तेलाक हुआ है। मिसाल दे रहा हूँ, आजमाइश का लाजिमा क्या है, मेहनत। लाजिमा क्या है, वो क्या कहते हैं मेहनत का वो, या नतीजा नेमत है, या उसका मसलन इरफानी पसे मंजर वो क्या है नेमत है, जिस तरह हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाते हैं मा रायतु मिन्हु इल्ला जमीला, खूबसूरती देखी है हमने अल्लाह से, जो कुछ भी ये बला नहीं है, ये खूबसूरती है हमारे लिए। तो इस तरीके से ये तीनों, ये बला के मानी जो है कुरान में तीन किए गए हैं और फितना के 15 मानी में फितना इस्तेमाल हुआ है। देखें हुसैन सईद हुसैन नासर हसन दादा आमली जुआदी आमली ये डॉक्टर मुताहरी ये ग्रुप था जो अलामा तबतवाई साहब के शागिर्द थे, ये 15 राइट।